तो दोस्तों मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन शॉट का लॉजिक। तो हमारे पास मान लो ये एरे है 4-3-2-1, ठीक है। हमने बबल शॉट का ऑलरेडी देख रखा है लॉजिक क्या होता है और कोडिंग कैसे करते हैं। तो अभी सिलेक्शन शॉट में आपको क्या करना है, हमारे पास ये एरे है उसमें फॉर लूप की मदद से ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। क्या करना है, फॉर लूप की मदद से ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो हम पहले, हमें मान लो पता चल गया कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें। फिर उसको क्या करना है, इस एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। बबल शॉट में हम उसके नेक्स्ट के साथ स्वैप करते थे, ठीक है। लेकिन इन सिलेक्शन शॉट में क्या करना है, सिलेक्शन शॉट नाम ही उसका इसलिए है कि पहले हमें सिलेक्ट करना है सबसे छोटा वाला, फिर उसको स्वैप करना है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ छोटा वाला है 1, तो उसको स्वैप कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। तो 1 की जगह आ गया 4 और 4 की जगह 1, बाकी दोनों mnum, ठीक है। अभी फिर से वही प्रोसेस करनी है, लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे ध्यान रखो, अभी करना क्या है, पहले वालों को छोड़ देना है, उसके अलावा में देखना है। अभी उसके अलावा में कौन सा छोटा है, तो कि सेकंड वाला, तो उसको कहाँ लेना है, उस एरे में आगे वाली पोजिशन में। तो 1 को तो हमने साइड में छोड़ दिया और 2 और 3 को कर दिया स्वैप, ठीक है। फिर से क्या करना है, तो फिर से वही प्रोसेस करनी है, लेकिन अभी हमारा एरे स्वैप हो चुका है, ठीक है। अगर कोई लंबा एरे हम ले, मान लो 5-8-0-3-2, तो फिर से हम एक बार करके देखते हैं क्या करना है, सबसे छोटा कौन सा, 0 किसके साथ स्वैप करना है, फर्स्ट पोजीशन के साथ। तो 0 की जगह 5, 5 की जगह 0, बाकी सब ऐसे ही। 0 को कर देना है साइड में, इसमें देखना है सबसे छोटा कौन सा, दूसरा किसके साथ स्वैप, इसके साथ। 0, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8, बाकी सब mnum। अब दोनों को कर देना है साइड में, फिर से देखना है कि इसमें, इसमें सबसे छोटा कौन सा, 3 किसके साथ स्वैप, इसके साथ। तो 0, 2, 3, 5, 8 हो गया हमारा एरे सॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे हम सिलेक्शन सॉर्ट में सॉर्टिंग कर